नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द एचडी न्यूज। पहले सिद्धू मूसेवाला, फिर सुखदेव सिंह गोदामेरी और उसके बाद बाबा सिद्दीकी। एक ऐसा अपराधी जो जेल में बैठा है और बड़े से बड़े सुरक्षा में चुस्त दुरुस्त सुरक्षा में घिरे हुए लोगों को खुलेआम मारता है, खुलेआम चेतावनी देता है और सलमान खान जैसे बड़े सेलिब्रिटी के घर पर गोलियां चलवाता है और जेल में बैठे बैठे सभी घटनाओं की जिम्मेवारी ले लेता है और उसे कुछ भी नहीं किया जा रहा। मैं बात कर रहा हूं लॉरेंस बिश्नोई की। लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा अपराधी है जो देश के अंदर हाई प्रोफाइल मर्डर्स करवा रहा है और धमकी देता है हाई प्रोफाइल लोगों को मारने की। सलमान खान के ऊपर लंबे समय से उसका टारगेट है। कई बार सलमान खान को धमकी दे चुका है, सलमान खान के घर पर गोलियां चलवा चुका है। सिद्धू मूसेवाला को किस प्रकार से घेर कर गोलियों से भून दिया गया, जो कि एक फेमस पंजाबी सिंगर था, उसे भून दिया गया, ये भी लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने किया था। सुखदेव सिंह गोदामेरी, जो कि एक बहुत बड़े राजपूतों के नेता हुआ करते थे, करनी सेना के अध्यक्ष थे, उनके घर में घुसकर उनको गोली से भून दिया और इन सभी चीज़ों का जिम्मेदारी कौन लिया, तो लॉरेंस बिश्नोई ने। इसके बावजूद लॉरेंस बिश्नोई आज़ाद है, जेल के अंदर रहते हुए भी आज़ाद है, आज़ादी से अपने गुर्गों को हैंडल कर रहा है और हाई प्रोफाइल मर्डर्स करवा रहा है, हाई प्रोफाइल लोगों को धमका रहा है। लॉरेंस बिश्नोई के इस एक्शन पर और उसके एक्शन पर सरकार का कोई एक्शन नहीं दिखने पर पप्पू यादव ने ट्वीट किया है। पप्पू यादव ने ट्वीट करते हुए सीधे तौर पर आरोप लगा दिया है, ये देश है या हिजड़ों की फौज है, अगर मुझे फ्री हैंड मिल जाए तो मैं एक दिन में इसके पूरे गैंग को साफ करवा दूंगा। पप्पू यादव के ट्वीट में क्या कुछ लिखा है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। पप्पू यादव अपने ट्विटर हैंडल पर दो पोस्ट लगातार डाले हैं। पहला पोस्ट जो उनका आया उसमें वो लिखते हैं, महाराष्ट्र में महाजंगल राज, वाई सिक्योरिटी की सुरक्षा में सरकार समर्थक पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी जी की हत्या इसका शर्मनाक प्रमाण है। बिहार के बेटे बाबा सिद्दीकी की हत्या अत्यंत दुखद है। बीजेपी गठबंधन सरकार अपने दल के इतने रसूख वाले नेताओं की रक्षा न कर पा रही है तो आम लोगों का क्या होगा। मैं आपको बता दूं कि बाबा सिद्दीकी बिहार के रहने वाले थे और बिहार के रहने वाले के साथ साथ एक बड़े नेता थे, बीजेपी के सरकार को समर्थन दे रहे थे और ऐसे में जब उनकी हत्या हुई तो ये सवाल तो लाजिमी था कि जब बीजेपी अपने नेताओं को सुरक्षित नहीं रख पा रही तो फिर जनता का क्या होगा। दूसरे ट्वीट में पप्पू यादव लिखते हैं, यह देश है या हिजड़ों की फौज, एक अपराधी जेल में बैठ चुनौती दे लोगों को मार रहा है, सब मुख दर्शक बने हैं, कभी मूसेवाला, कभी करनी सेना के मुखिया, अब उद्योगपति राजनेता को मरवा डाला, कानून अनुमति दे तो 24 घंटे में इस लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2% के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। तो देखा आपने, ये पप्पू यादव के सोशल मीडिया हैंडल पर नाराजगी है। पप्पू यादव ने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट डालते हुए नाराजगी जाहिर की है, साथ ही बीजेपी के ऊपर सवाल खड़ा किया कि जो अपने कदावर नेता को सुरक्षित नहीं रख सकता, वाई श्रेणी के मजबूत सुरक्षा में जो नेता को सुरक्षित नहीं रख सकता, वो बीजेपी जनता को कैसे सुरक्षित रखेगा। उसके साथ ही कानून से पप्पू यादव ने कहा है कि अगर कानून मुझे छूट दे तो मैं एक दिन में ही लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2% के गुंडे का जो पूरा नेटवर्क है वो मैं खत्म कर दूंगा। ये नाराजगी है बिहार के एक बेटे की हत्या पर, ये नाराजगी है कि मुसलमान नेता की हत्या पर और पप्पू यादव के निशाने पर हैं बीजेपी। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा दैनिक के साथ। धन्यवाद।